पूछना चाहूंगी कि 50% यूज करने के बाद ऐसी कौन कौन सी सिटीज हैं जिनको आप कंप्लीटली क्यूटो के सपने दिखा करके क्यूटो की तरह स्मार्ट बना चुके हैं? सर लखनऊ आके देखिएगा क्या स्वच्छ भारत अभियान है। सर बनारस को क्यूटो बनाने की बात कही गई थी। सर सारे झूठे वादे थे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, पूरे देश की जनता को एक बहुत बड़ा सपना दिखाया। जब 2014 में लोकसभा के चुनाव की रैलियां हो रही थी, तो उस दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया गया पूरे देश को। और 100 स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा जो स्मार्ट सिटीज को देने का वादा हुआ वो उत्तर प्रदेश को हुआ। और उस समय 2015 जून में 10 स्मार्ट सिटीज का वादा जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला। और उसकी पॉलिसीज कुछ इस तरीके से बनाई गई कि उसमें आधा जो बजट रहेगा वो केंद्र सरकार के द्वारा और आधा जो बजट है वो प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। अध्यक्ष जी, 2015 में जो हमारी सिटीज थी वो थी आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, बनारस, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर और प्रयागराज, झांसी भी इसमें इंक्लूडेड है। और उसके बाद 2019 और 20 के समय में वापस से हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 और सिटीज हैं जिसको इसमें ऐड किया गया। मैंने प्रश्न किया था कि ये जो स्मार्ट सिटीज का वादा किया गया है इसके मानक क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी प्रश्न किया था मंत्री जी से कि इसमें जो स्मार्ट सिटीज हैं टोटल 17, जिसमें से 2015 से 10 सिटीज में काम चल रहा है, टोटल कितनी धनराशि है सेंट्रल प्लस स्टेट की जो आवंटित की गई है और उसमें से कितनी धनराशि है जिसको इस्तेमाल कर लिया गया है। अध्यक्ष जी, बड़ी निराशा के साथ कहूंगी कि आप ही के वेबसाइट के, सरकार के वेबसाइट के जो जियो हैं जो बताते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन में क्या क्या मानक हैं जिनमें सिटीज को किस तरीके से बनाया जाएगा, उत्तर में उस तरीके के तो कोई मानक ही नहीं दिए गए हैं। जो जियो था उसमें बताया गया था कि प्रॉपर सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पेयजल सप्लाई किया जाएगा, सीवेज को प्रॉपर किया जाएगा, स्ट्रीट्स, सड़कों का निर्माण किया जाएगा, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स को बनाया जाएगा, पार्क को बनाया जाएगा, बच्चों के स्कूल्स को स्मार्ट किया जाएगा। यहां तक कि यह भी बोला गया था कि जो आपका वेस्ट का डिस्पोजल होता है, जो हमारा कचरा होता है, जिस तरीके से अभी बहुत सारे देश के विभिन्न प्रदेशों में होना शुरू हो गया है, मैं दिल्ली की अगर बात करूंगी कि उसमें जो आपका गीला कचरा होता है और एक सूखा कचरा होता है, ताकि उसको रिसाइकल करने में मदद की जा सके, ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है अध्यक्ष जी। तो इनका जो जियो में जिस तरीके से बताया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और जो जवाब में दिया गया है वो बिल्कुल अलग है। जवाब में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन किस तरीके से क्या किया जाएगा सिर्फ इसके बारे में बताया गया है, सिविल वर्क की कोई बात नहीं की गई। साथ ही साथ मंत्री जी, आपके जवाब में ये बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ समझ जो 10 आपके 10 शहर हैं उनके लिए 9,313 करोड़ की धनराशि जो है वो टोटल आई थी, जिसमें से लमसम 50% जो है उसको आपने यूज कर लिया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 50% यूज करने के बाद ऐसी कौन कौन सी सिटीज हैं जिनको आप कंप्लीटली क्यूटो के सपने दिखा करके क्यूटो की तरह स्मार्ट बना चुके हैं, और अगर आपने 50% भी काम किया है तो कृपया करके वो 50% के काम वाले जो भी सिटीज हैं उनका नाम दें। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि आपने जब ये सिटीज बनाने के लिए बातें की थी तो वहां पे 3 क्राइटेरियाज को रखा था कि जब हम सिटीज को स्मार्ट करेंगे तो या तो उनमें हम रेट्रोफिटिंग का मॉडल डालेंगे, या फिर हम रीडेवलपमेंट का मॉडल डालेंगे, या फिर हम ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट का मॉडल डालेंगे। आपने ये जो भी सिटीज बनाई हैं उसको आप किस मॉडल के तहत फिट कर रहे हैं उसको भी कृपया बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी, नहीं अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था
उसमें लिखा गया है कि अंतर्गत सिटी योजना परियोजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए शहरों के मानक क्या है। तो मानक हमारी समझ से जो होता है, मानक वो होता है जिसके बदौलत, जिसके बेसिस पे किसी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया जाता है। ये मान करके हमने आपको जवाब दिया है और आपने जैसा कहा कि सब कुछ वेबसाइट पे उपलब्ध भी है। हमारे जवाब में ये भी कहा गया है कि दोनों ही प्रकार की जो स्मार्ट सिटीज हैं, जो 10 केंद्र सरकार से सहायित हैं और 7 जो हमारी हैं, उन दोनों में जो रकम खर्च हुई है, जो काम हुए हैं, 9,313 करोड़ रुपया हमारे केंद्र वाले में थी, जिसमें कुल 670 परियोजनाओं को लिया गया था और उनमें 443 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 227 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति में है। अगर आपको चाहिए तो उनकी लिस्ट मेरे पास इस समय भी है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, कार्य पूर्ण कार्य वाली लिस्ट और जो कार्य चल रहे हैं उनकी लिस्ट भी। नाम माननीय अध्यक्ष जी, ये मैंने जैसा कहा कि 443 443 का नाम बताएंगे का पूर्ण का लिस्ट है, अगर आप चाहें तो हम 443 का मत पढ़िए, 12-20 उसी में। उसी प्रकार जो राज्य सरकार की जो 7 सिटीज हैं उनमें भी 131 करोड़ के 5 कार्य, ये बड़े बड़े कार्य हैं माननीय अध्यक्ष जी, कहीं मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है तो कहीं ऐसे बड़े काम है, और 418 करोड़ के 28 काम भौतिक प्रगति में है, वो क्रियान्वयन का हो रहा है। रही बात जो माननीय सदस्य ने पूरे भारत में स्मार्ट सिटी के की व्यवस्था के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, आपको माननीय अध्यक्ष जी मालूम है कि भारत के नगरों के लिए, के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो लगातार चिंता कर रहे हैं और एक के बाद एक नई नई योजनाएं, उसमें से स्मार्ट सिटी का भी एक सपना जरूर था, क्योटो बनाना है या अमेरिका की सिटी बनानी है, ये कोई दुर्लभ स्वप्न नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। हम चाहे, हम और आप चाहे निर्णय करें तो ये क्योटो भी बन सकता है और वाशिंगटन भी बन सकता है, जो हम चाहे वो बना सकते हैं। और उसका नहीं, एक और उसका मैं एक उदाहरण इस माननीय सदन को देना चाहूंगा। आप सबने G20 की मीटिंग का के समय का दृश्य आप याद करिए, G20 के समय पूरा विश्व यहाँ हमारी धरती पे आया था, लखनऊ में आया था, आगरा में आया था, आपके नजदीक के बनारस में आया था, और उस समय आप सबकी जानकारी के लिए पूरे वैश्विक समुदाय ने आगरा की प्रशंसा किया, लखनऊ की प्रशंसा किया, वाराणसी की प्रशंसा करके गए। तो ये कोई दुर्लभ या असंभव कार्य नहीं है जिसको आप सोच रहे हैं कि ये नहीं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हम अपने शहरों को, मैंने स्वयं कहा है, हम अपने शहरों को वैश्विक शहर बना करके आपके सदन के और जनता के चरणों में रख देंगे। अनुपूरक, एक अनुपूरक पूछ सकते हैं। और अपेक्षा करती हूँ कि माननीय मंत्री जी उसका सीधा सीधा मुझे उत्तर देंगे। 2015 से 2023 तक इस समय काल में 10 जो शहर थे जिन्हें स्मार्ट सिटीज बनाने की बात की गई थी, सपना दिखाया गया था, सिर्फ और सिर्फ आप हमें उन 10 में से किन्हीं कुछ शहरों में बता दें कि क्या 50% भी वहां पे काम हो चुका है। और साथ ही साथ अध्यक्ष जी, एक और मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि आपने जवाब में कहा कि जो भी सिटीज थी जिन्हें स्मार्ट करने की हमने कोशिश की है, वहां पे उनके जन प्रतिनिधियों से हमने सुझाव मांगे हैं, उनसे डिस्कशन की है, उनसे बातें की हैं। आज हमारे बीच में हमारे माननीय सदस्यगण हैं जो कि इन स्मार्ट सिटीज में रहते हैं, जो सो कॉल्ड है जिसे बनाया जा रहा है। क्या कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसको बुलाया गया और उससे इस स्मार्ट सिटी के बारे में सुझाव लिए गए और वो चीज हो गई उसके बाद में उन्हें बुला करके बताया गया हो कि हाँ, ये आपने जो सुझाव दिया।